आपको बता दें कि मैं इस वक्त ग्रामीण विधानसभा के गांव इटौरा में मौजूद हूं, और गांव इटौरा की बात करें तो यहां पर लोग इस समय प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत के लिए वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय जो वोट मांगते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के लिए जो एक तरह से एक जुनून दिखाई दे रहा है जनता के बीच में, इस वक्त मैं इटौरा में मौजूद हूं और जनता से मैं खुद आपको रूबरू कराऊंगा कि वो अपने प्रत्याशी, जो प्रधान प्रत्याशी है, उसको क्यों चुनना चाहती है और आखिर उसके अंदर क्या देखा उसने। मेरे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग हैं, नाम आपका जानना चाहूँगा, नाम बता दीजिए। नाम मेरा नाम चोब सिंह है, मैं इटौरा ग्राम का रहने वाला हूँ और मैं अपने प्रधान सिंह यानी शेर सिंह में बहुत गुण है मेरे में। क्या गुण देखे उनके अंदर? ऐसे देखे कि मतलब किसी पर कोई औका पड़ जाए तो वो अपने काम को छोड़ के और उसके लिए तैयार रहता है हर समय, हर एक उसमें। अच्छा, विकास की बात करें, क्योंकि विकास में तो बहुत ही आगे है, मतलब विकास तो इतना कराने वाला है कि आज भी बगैर अपने पैसे से मैंने गांव का बहुत विकास कराया है। सारे नलों को अपने आप, पहले भी प्रधान रह चुके हैं। हाँ, एक बार पहले भी प्रधान रह चुका है। अच्छा। लेकिन कार्यकाल रहा था पहले, आपने बढ़िया कार्यकाल रहा था। अच्छा। बहुत अच्छा कार्य। आज भी कोई कहते कि मेरा नल खराब है तो अपने खुद मिस्त्री लेके आके नल बनवा देता है। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम तारा सिंह है। तारा सिंह जी, जातिगत फैक्टर ज्यादा चलता है गांव के क्षेत्र में, तो क्या कौन सी जाति से? मैं जाति जाटम से हूँ और ऐसा कोई फैक्शन नहीं है हमारे यहाँ। ये शेर सिंह प्रधान हमारे बघेल समाज से हैं, हमारे नगला माकरौल के दोनों समाज, सर्व समाज, और उनके लिए वोट मांगने के लिए इटौरा से आए हैं। अच्छा, इतना बढ़िया प्रत्याशी है हमारा। हाँ, तो क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं प्रत्याशी से, क्योंकि एक कार्यकाल आपने पहले भी देखा है? पहले भी देखा है, सबका विकास किया उन्होंने, किसी को दुखी नहीं किया, गरीबों की हिमायती हैं ये बेचारे शेर सिंह प्रधान। अच्छा, क्या लगता है गांव की मुख्य नीड्स क्या होती है, जरूरत क्या होती है, गांव में क्या विकास के लिए चाहिए होता है, क्योंकि गांव में छोटी छोटी चीजों को लेके लोग नाराज हो जाते हैं। गांव में पानी की व्यवस्था, गरीब लोगों की पेंशन बनवाना, आम रास्ते को सुधरवाना, नाली खरंजे बनाना, यही काम होता है गांव में, और क्या है बेचारों का। दादा, नाम जानना चाहूंगा आप। अच्छा अच्छा जी, चॉइस साहब, क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, हाँ जी। क्या लगता है जो प्रत्याशी के लिए आप प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं उस प्रत्याशी? 110%। 110%, क्या खूबी है ऐसी? और खूबी है, जितनी बताए उतनी कम है। एक आध तो बता दीजिए, क्योंकि जनता वोट देने जाती है तो खूबी आया। पहले नंबर विकास, पहले स्टार्टिंग में पहले करा था, 5 साल बना रहा था, अब की बार भी खुद अपने पैसे विकास करा रहा है, नाली खरंजा, हैडपम्प, समर सब लगवा रहा है। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है आगे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद पूरी पूरी है, जीतने के बाद सारे विकास होंगे, गरीबों की पेंशन, विधवा पेंशन और जो भी है सब कम कराएंगे। जनता कहीं ना कहीं देखती है, क्योंकि जातिगत मैं कहूँ, फिर इनसे भी पूछा था मैंने कि गांव में जाति का फैक्टर ज़्यादा चलता है। हमारे गांव में नहीं है। अच्छा, 60 जाति है। जाति या विकास? विकास, विकास। हाँ, जातिगत वोट नहीं पड़ रहा है? ना ना, पहले विकास फिर सब जाति वोट दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रत्याशी के अंदर खूबियाँ देखा? हाँ, खूबियाँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम भगवान सिंह बघेल है जी। और शेर सिंह प्रधान के लिए हम जनता से वोट मांग रहे हैं, और उन्होंने अपने विकास में शिक्षा को सर्वप्रथम रखा है। शिक्षा हमारे यहाँ की बढ़िया होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर गांव का विकास, नाली खरंजे, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था उचित समय पर मिले जनता को। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं जी जी जी। नाम क्या है? मेरा नाम वासुदेव कुशवाहा है, कुशवाहा जाति से हूँ मैं। अब आप बताएं क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि गांव में अक्सर करके देखा जाता है कि गांव के लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही अपने प्रधान के पास जाते हैं और प्रधान को वोट देते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ वोट देते हैं कि हमारा वोट खराब ना हो जाए। तो क्या उम्मीद है अपने जिसके लिए आप चल रहे हो, जिसके लिए रैलियाँ निकाल? हमें हमारे इस युवा प्रधान से एक बहुत बड़ी उम्मीद हो गई है कि ये जाति समाज, जाति को लेकर के कभी नहीं निकले। अच्छा। अगर किसी भी जाति पर कोई आपत्ति आती है तो सबसे पहले उनका सीना खड़ा हो जाता है। अच्छा।
अगर आप विकास की बात करते हैं तो विकास की इन्होंने हम सन 95 से लेकर के और 2000 तक रहे ये, तो इन्होंने विकास पहले कराया। अच्छा। उसके बाद में जो उनसे जाते जाते उनसे जो बचा वो आज खड़े हो गए, तो उसे पहले करा दिया अपने पैसे से, सरकार का पैसा। नाम खेमचंद। खेमचंद जी, क्या लगता है अपने प्रत्याशी को कब से जानते हैं, व्यवहार कैसा है? मैं इसको जन्म से जानता हूँ और इसका व्यवहार इतना अच्छा है कि हर इस गांव के इस इटौरा गांव के हर जो है नागरिक के दिल में बसता है वो। अच्छा। किसी भी कास्ट का आदमी हो लेकिन उसके दिल में बसता है। और ये जो भीड़ है इसमें कोई वोटर मतलब प्रत्याशी वोट नहीं मांग रहा है इसको, इनमें तो कोई प्रत्याशी नहीं है, शेर सिंह का कोई आदमी नहीं इसमें, ये सब वोटर वोट मांग रहे हैं। आप कौन सी कास्ट? मैं जाटव समाज से हूँ और सारे समाज के लोग इटौरा ग्राम पंचायत के सारे समाज के लोग उसे वोट कर रहे हैं। कोई ये नहीं कि मतलब एक समाज का वोट कर रहा हूँ उसे। कोई प्रभाव काम करेगा कि क्योंकि प्रत्याशी सभी अपने आप में दमखम वाले हैं, सभी लोग अपने दम भर रहे हैं कि हम जीतेंगे, लोगों को साथ लेके चलने वाले सभी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कैसी? चुनाव में जो लड़ने आता है वो तो जीत के लिए आता है, सब उम्मीद करते हैं कि हम भी जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाला चश्मा सबके लगा होता है, जीत वाला तो जीत मतलब जो लड़ने आता है वो तो यही कहता है कि मैं जीतूंगा। अच्छा। लेकिन जीत का तो जब वोटर उसे वोट देगा जभी तो जीतेगा वो। और उसके असलियत में जो प्रत्याशी है उसके काम आते हैं वोट में। तो जाति हावी होगी या फिर विकास? नहीं, विकास उसकी अच्छाई विकास तो उसने पहले भी 2021 में रहा ही है, वो 2005 में, तो उसमें उसके बने हुए खरंजे आज तक किसी और नहीं बनवाए 20 साल में। अच्छा, उसके एक बने हुए खरंजे नालियां अभी तक काम कर रहे हैं। इतने प्रत्याशी हुए जब तक इतने प्रधान हुए लेकिन किसी ने बनवाया नहीं आज तक, जो जैसे भी हैं उन्होंने बनवाए आज तक वही काम कर रहे हैं। तो ये इटौरा गाँव की जनता है और जनता क्योंकि अपना प्रत्याशी जब चुनती है तो वो चाहती है कि विकासशील प्रत्याशी हो। तमाम जनता कहीं ना कहीं जातिगत आंकड़ों में फंस जाती है, जाति में फंस जाती है, तो उस गांव का विकास नहीं विनाश हो जाता है। ये मेरा नहीं, लोगों का कहना है। आपका नाम क्या है? मेरा देश कुमार चौधरी। दिनेश कुमार चौधरी। ओ, मतलब एकदम जोश में कैसे? हाँ, जोश में तो जोश में ही है। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। कैसे जोश में? मतलब अपने उसमें से हमारी समाज खड़ी है, सब समाज खड़ी है, हमारी उधर हम एक बगैर समाज के संग। और मतलब आपने विकास को समाज बना लिया? हाँ, विकास को समाज बना लिया। हमने नहीं, ये सब लोगों ने। अच्छा, अब तमाम लोग ऐसे भी आएंगे कि आपको देखेंगे लोग आपको, अरे ये फलाने प्रत्याशी देख लेना और मीडिया में छाप देना। तो क्या चाहते हो, मतलब गांव में क्या चाहते हो? गांव में ये चाहते हैं, हमारे शेर सिंह प्रधान जी हैं, हमारे युवा खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, खुल के सब शेर सिंह प्रधान जी के संग हैं। खुल के शेर सिंह प्रधान जी के साथ में है, विकास के साथ में है, ऐसा इनका कहना है। गांव के बुजुर्ग हैं, गांव के कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो राजनीति में चस्का लेते हैं, समाज सेवा में लेते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमें विकास चाहिए, जातिगत आंकड़ों से ऊपर उठ के अगर हमें गांव की स्थिति को सुधारना है, गांव की शिक्षा को सुधारना है, गांव की सड़कों को, पानी की व्यवस्था को, इनको अगर सुधार करना है तो हमें एक अच्छा प्रत्याशी चुनना होगा और वो है शेर सिंह प्रधान। कैमरे के पीछे